Big hello to my 2 crore taxpayers. So far, we don't have an official Taxpayers Association of India, but surely we will go ahead and form the same. By the way, अगर आप ये चैनल देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है, मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया है वेयर बाय देव मेड अ न्यू यूट्यूब चैनल कॉल्ड द टैक्सपेयर्स क्लब, एंड वीडियोज उसमें यानी कॉन्टेंट मेरा है. आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम. वो बेचारे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको हेल्प करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. उसमें अभी 120 सब्सक्राइबर्स है. उसका लिंक मैं कमेंट्स में पिन करके दे दूंगा. प्लीज मेक श्योर आपने जितना प्यार हमें दिया है, यू कैन ऑल्सो एटलीस्ट सब्सक्राइब टू दैट चैनल. वीडियोज उसमें मेरे ही हैं, बट उसमें मुद्दे प्रॉपर टैक्स पेयर्स के और थोड़ा डेप्थ में पॉलिटिक्स की बात उस चैनल पे भी हो रही है, जैसे एज मच एज वी आर डूइंग इट ऑन दिस चैनल. सो पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, हु हैव थ्रोन सो मच लव एट मी by saying that I should speak more of English and not less of Hindi, but make it more of Hinglish so that even those people from the south of India can. I really applaud and appreciate your initiative. So please do like, share and subscribe that channel. भले मेरे चैनल को आप एक बार के लिए भूल भी जाएं, वो चलेगा, लेकिन उनके चैनल को मत भूलिए. वो बेचारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे वॉन्ट टू मेक सम बिग डील आउट ऑफ इट. तो मैं कॉन्टेंट देता हूँ और वो लोग वो चैनल चलाते हैं. इट्स कॉल्ड, इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब, टैक्स पेयर्स क्लब, पहला चैनल हमारा ही आएगा, बिकॉज ऑर्गेनिकली वी हैव गॉट 125 ऑड सब्सक्राइबर्स. अभी थोड़ा बड़े मियाँ स्टाइल है. नहीं, उनका कॉपी क्या करेंगे हम. पानी प्यास तो सभी को लगती है, इंसान तो सभी हैं. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. खैर, मुद्दे की बात. टुडे डे 3 of 100, वील कम टू वॉट हैपेंड इन एनडीए 3.0, नॉट मोदी 3.0, एंड वॉट हैपेंड इन आंध्र प्रदेश, द न्यू गवर्नमेंट वॉज सोन इन. उस पर बाद में, पहले मार्केट्स की बात. अभी आप हेडलाइन देखोगे ना तो आपको दिखेगा दैट ओ द निफ्टी हैज रीच लाइफ टाइम हाई अगेन. मार्क माई वर्ड्स, द निफ्टी इज एट लाइफ टाइम हाई. वी आर ऑल हैप्पी अबाउट इट, बट दिस रैली डज नॉट हैव द लेग्स इमीजिएटली टू गो बियॉन्ड 400 to 500 points. यानी 400-500 points से ज्यादा इसके पाँव नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप कैसे आगे बढ़ोगे जब तक आपका कोई नया ब्रेड विनर रैली में आगे ना बढ़े. और फिलहाल सारे स्टॉक्स एकदम चरम सीमा पे. निफ्टी की बात करो, इट इज हाई टाइम टू बी स्टॉक स्पेसिफिक. एंड अभी क्या लेना है एट लाइफ टाइम से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्या नहीं लेना है या क्या छोड़ना है, वॉट टू अवॉइड राइट नाउ. आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली मोर इम्पोर्टेंट इन दिस स्टेज, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ अ बुल मार्केट वेयर रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट स्टॉक्स में डील कर रहे हैं वो गलतियां करेंगे, जैसे 4 जून को किया था. काफी लोगों ने बच गए, बट मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स बाय एट अ हाई एंड दे सेल एट अ लो. एंड मुझे लग रहा है होटल इंडस्ट्री पे आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल. ऑल स्टॉक आइडियाज, म्यूचुअल फंड्स डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल आर ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पज. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर ट्रेनिंग पर्पज, लाइक इंडियन होटल्स. अब इंडियन होटल्स 65 रुपीज की चीज थी, वो 590 रुपीज पे आ गया है. इट हैज ग्रोन ऑलमोस्ट वॉट 8-9 टाइम्स, प्रॉब्ली 10 टाइम्स वेरी सून. अब यहां से अगर आप बोलोगे कि और ऊपर चल जाए, वो इमिडिएटली नहीं होगा भाई, बिकॉज ऑल ऑफ द पोस्ट कोविड ग्रोथ इन द होटल सेक्टर इज ऑलरेडी इन द प्राइस. आई हैवंट सीन लेमन ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने वो नहीं देखा है. आई लुक एट इंडियन होटल्स एज अ डिसेंट बेंचमार्क कि यहाँ से शायद इसमें गिरावट आए या इसमें इतना ग्रोथ बियॉन्ड 615, 620, 610 तक ठीक है. उसके ऊपर तो ये ओवर वैल्यूड ही है, अभी भी ओवर वैल्यूड है. बट हाँ, और बारिश का सीजन है, मानसून सीजन, कोई वेकेशन सीजन एटलीस्ट मेन मेट्रोज में तो है नहीं. इनफैक्ट स्कूल्स आर गोना स्टार्ट नाउ. तो जैसे जैसे वेकेशन सीजन थोड़ा कम होता है, आप देखो ये जो होटल स्टॉक्स है ना, इन पे थोड़ा टेम्पररी प्रेशर आता जरूर है. इंडियन होटल्स हैज ऑलरेडी सीन अ डाउनस्लाइड एंड इट हैज बाउंस बैक, बट आई एम नॉट पर्टिकुलरली वेरी श्योर ऑन दिस सेक्टर. आई थिंक फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, आईटी फॉर ऑल वी नो, फार्मा पॉकेट्स, सिलेक्ट पॉकेट्स, एंड देन एफएमसीजी में एकदम प्रॉफिटेबल एफएमसीजी, सो सिलेक्ट ग्रोथ दे रहे, उस पर ही फोकस अपने को करना चाहिए. ओके, शुगर स्टॉक्स. लास्ट ईयर आई हैड कवर्ड अ सीरीज ऑन इथेनॉल ब्लेंडिंग, एंड अभी ये न्यू सरकार आने के बाद वापस चर्चा हुई इथेनॉल ब्लेंडिंग की. सारे शुगर स्टॉक्स मुझे दिख रहा है वापस कल के, येस्टरडे 8-8, 9-9% ऊपर थे. आई हैव माई नोट्स, सो आई एम जस्ट लुकिंग डाउन ऑन माई नोट्स फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स जो मैं डेली बना के शॉर्टलिस्ट करके रखता हूँ. त्रिवेणी इंजीनियरिंग,
बजाज हिंदुस्तान, त्रिवेणी एंड अवध शुगर, उत्तम शुगर, धामपुर शुगर, श्री रेणुका शुगर, दालमिया भारत। देखिए इन सब में से मुझे तो ईआईडी पैरी थोड़ा समझ में आता है। आप ईआईडी पैरी पे मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आस्क हिम अबाउट ईआईडी पैरी। मुझे लगता है वो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी वो भी बहुत चल चुका है। एंड शुगर सेक्टर इतना ज्यादा गवर्नमेंट डिपेंडेंट है कि देखो ना कुछ नहीं हुआ है, दे आर जस्ट गोइंग अप बिकॉज देर इज अ वाइब, अ न्यू फ्लेवर इन द शुगर स्टॉक्स, दैट शुगर स्टॉक्स में वापस पैसा बनेगा या बहुत फटाफट पैसा बन सकता है, उस वजह से शुगर स्टॉक्स ऊपर चल रहे। सो उसी वजह से आई वॉज टेलिंग यू दैट शुगर स्टॉक से आपको थोड़ा मतलब बी केयरफुल व्हेन एवरी, और ऑलरेडी चल चुके हैं। अब सरकार अभी तो बोल रही है इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, बट इथेनॉल ब्लेंडिंग, विच ऑफ दीज कंपनीज हैज मोर एक्सपोजर टू इथेनॉल ब्लेंडिंग, हाउ मच ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सोर्सिंग टू इथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर द गवर्नमेंट, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नाउ यूएस फेडरल रिजर्व टुनाइट 12 o'clock, 12:30 एज वी स्पीक इन इंडिया, आप जब शायद ये वीडियो लाइव देख रहे होंगे प्रीमियर, इफ यू आर चेकिंग इट लाइव, और आप कल देखोगे तो वो कल की बात हो जाएगी। यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, उसमें सारी नजरें गड़ी हुई है कि क्या ये इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। द मोमेंट यूएस फेडरल रिजर्व कट्स इंटरेस्ट रेट, अगर आज नहीं किया तो 2 महीने बाद करेंगे। अगेन भविष्यवाणी दे रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है अपने पास और 30 साल से खुद ट्रैक कर रहा हूँ। यूएस का इलेक्शन भी हम कवर करेंगे फ्रॉम एन इंटरनेशनल मार्केट स्टैंड पॉइंट, एंड इलेक्शन है नवंबर 5 को, नेक्स्ट मीटिंग शायद इनकी अगस्त में होगी आई एम श्योर, यूएस फेडरल रिजर्व की। इलेक्शन के पहले कभी ना कभी, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉलिटिकल कंपल्शंस के वजह से पावेल, यूएस फेड चेयर, विल डेफिनेटली रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, चाहे वो 25 बेसिस पॉइंट करे चाहे 50 बेसिस पॉइंट करे, आई डोंट केयर, दे हैव टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स। इट्स अ मैटर ऑफ जो बाइडन गेटिंग री इलेक्टेड, आज देखते हैं रात को क्या होता है। कंसेंसस बन चुका है कि आज वो कॉन्स्टेंट रखेंगे, लेकिन आज नहीं किया इलेक्शन के पहले जरूर करेंगे। द डे दे रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स आपको एक मिनी रैली दिख सकती है निफ्टी में, लेकिन तब तक हो सकता है निफ्टी एक मिनी करेक्शन भी दे दे, क्योंकि ऑल्टरनेट ईयर जैसे 2020, 2022, 2024, 2026, 2018, 2016, हमेशा मार्केट ने मिडिल ऑफ द ईयर में एक मिनी करेक्शन आपको दिया है, और अभी हम जून जुलाई के उस मिडिल ऑफ द ईयर फेज में आ चुके हैं, एंड इस साल यूएस में इलेक्शन है। तो अभी इंडिया का तो हमने निपटा लिया सब कुछ, है ना, खटाफट खटाफट निपटा दिया इंडिया का, तो देखिए वहां पे क्या होता है। सो इंडियन रूपी जो है ना, टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स मार्केट्स, द इंडियन रूपी इज अ लिटिल वॉबली बिफोर द यूएस फेड मीटिंग टुडे, इट ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम लो की तरफ 83.59 की तरफ चला गया था, क्योंकि सब लोग वेट करते हैं यूएस फेड शेयर, पूरे दुनिया की इकोनॉमी भाई, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑन पेपर यूएस, ये और बात है कि उनका $30 ट्रिलियन का डेट है, तो जितनी बड़ी इकोनॉमी है उससे ऑलमोस्ट 1.2 1.3 टाइम ज्यादा उनका डेट है। लेकिन भाई डेट की परवाह किसको है, डॉलर इज द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, अगर मेरे ही करेंसी में मैंने ही डेट लिया हुआ है तो मैं तो नोट छाप छाप के जितना मर्जी छापूंगा मैं कब चुकाऊंगा, कौन पूछने वाला है यूएस को आपके डेट के बारे में। पूरा कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द यूएस इज ऑन डेट, एंड एवरेज यूएस सिटीजन हैज मिनिमम 5 क्रेडिट कार्ड्स, दे पे 1 क्रेडिट कार्ड विद द अदर क्रेडिट कार्ड, एंड दैट्स हाउ द साइकिल गोज इन टू डेट। सो आरबीआई, अब मैं आता हूँ आरबीआई पे, कि आरबीआई हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर वो बोझ ना पड़े, वहां तक ठीक है, लेकिन देखिए अभी नेक्स्ट खबर में आरबीआई ने किया क्या, दे हैव पुट अ ब्लैंकेट 5% प्रोविजनिंग, एडिशनल प्रोविजनिंग ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स फॉर लेंडर्स, दैट इज द बैंक्स। एंड टुडे मैं आपको कह रहा था ना, ये आरबीआई बाहुबली बैंक्स का कटप्पा साबित होगा, और वो हो रहा है। शक्तिकांता दास को बोलो, महात्मा गांधी चाणक्य के कोट अगर कम कोट करें मुंह से, ये इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज की न्यूज है आज की। अगर भाई साहब पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं तो अपने हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड और वो बड़े बड़े जो उनके डिग्रीज है उससे नीचे उतर के थोड़ा गरीबों के दुनिया में देखे, बैंकों की दुनिया में, ऑल ऑफ द प्राइवेट बैंक्स आर रिक्वेस्टिंग हिम
टू रिमूव दिस ब्लैंकेट 5% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। मैं आपको ये मुद्दा फॉर द लेमैन आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू। इंडियन लेंडर्स हैव टोल्ड द बैंकिंग रेगुलेटर दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट क्रिएटिंग 5% प्रोविजन बफर्स फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वुड हर्ट बोथ द फाइनेंसियर्स एंड द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और उन्होंने ये सीधा सीधा बोला है कि बैंक्स के लिए ये वायबल नहीं है कि वो 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को प्रोविजनिंग करके दिखाएं। सो डियर शक्तिकांता दास साहब, ऑन बिहाफ ऑफ आर लेंडर्स, इफ यू वॉन्ट द बैंक्स टू ग्रो, प्लीज स्टॉप इंटरफियरिंग इन द ग्रोथ प्रोसेस। उदय कोटक साहब रिटायर हो चुके हैं, आपकी जो भी उनसे दुश्मनी होगी उसको भूल जाइए, अभी उदय कोटक साहब नहीं है। हमारे प्राइवेट बैंक्स को सौतेला व्यवहार मत कीजिए, फोकस ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। यू हैव मच मोर जॉब्स टू डू, फोकस ऑन वायबिलिटी ऑफ शटिंग डाउन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स रादर देन इंक्रीजिंग योर प्रोविजनिंग फॉर लोन्स। अगर बैंक्स लोन नहीं देंगी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में तो तुम्हारे पीएसयू बैंक सबसे पहले डूबने वाले हैं भाई साहब। मोस्ट ऑफ द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अब आर सपोर्टेड बाय एसबीआई, सीतारमन बैंक ऑफ इंडिया, शी और दैट बैंक इज सपोर्टिंग ऑल ऑफ दीज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो प्लीज हैव अ कोऑर्डिनेशन विच आई थिंक यू हैव बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड योर अथॉरिटीज, एंड प्लीज रीड दिस, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। इंडिविजुअल बैंक्स एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैव ऑल्सो अर्ज्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट टू इम्प्लीमेंट द न्यू नॉर्म्स रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब आप ये ड्रकोनियन रूल मिस नहीं कर सकते, लेडीज एंड जेंटलमैन। द आरबीआई हैड प्रपोज टू इम्प्लीमेंट दिस 5% इंक्रीज ऑफ प्रोविजंस रेट्रोस्पेक्टिवली, तो जो प्रोजेक्ट 2015 में सैंक्शन हुआ था उसके वजह से उसका अभी बैक कैलकुलेशन करके, बैक डेट करके उसकी प्रोविजनिंग करनी है। आप इमेजिन करोगे ये कितना ड्रकोनियन रूल है। कैन एनीबडी हियर इमेजिन दिस दिस लकुना दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इन द सिस्टम। आई डोंट थिंक, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ आर सेंट्रल बैंक, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको कटप्पा की तरह पीछे से छुरा ही मारना है तो सीधा सामने से आके वार करो ना यार। डोंट डू इट फ्रॉम द बैक मैन। यू आर अंडर द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंडियन कंज्यूमर यू आर किलिंग द बैंकिंग सिस्टम डूड। पीपल आर नॉट गोइंग टू पुट मनी इन द बैंक्स। इंडियन कंज्यूमर बैंक्स में पैसा नहीं डाल रहा है, बैंक्स आर डिपेंडेंट ऑन गिविंग लोन्स। अगर आप वो भी दिक्कत करोगे तो एनबीएफसी और बैंक का कोई फ्यूचर वैसे भी नहीं होने वाला है। अंडरस्टूड? हम तो भाई स्टूपिड कॉमन मैन है ना, हम कौन होते हैं आपको बताने वाले। एज द ग्रेट महात्मा सेड, ओके शक्तिकांता दास, वॉक ऑन द पाथ इवन इफ यू आर अलोन, बट व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर अलोन डोंट फोर्स अदर्स टू वॉक ऑन द पाथ। दिस इज नॉट सेड बाय महात्मा गांधी, दिस इज ट्वीट बाय योर्स ट्रूली, ओके प्रॉफिट भाई। एनीवे, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज और टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन, एंड मैं वही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको हिपोक्रेसी निकाल के सच्चाई बता रहा हूँ। कोई भी सरकार हो, आरबीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और आरबीआई के वॉच के अंदर ही येस बैंक में गफला हुआ था, आईएलएनएफएस का गफला हुआ था, और जितने कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूबी थी, दिस हैपेंड अंडर आरबीआईज वॉच। सो यू बेटर फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स ताकि कोई और बैंक डूबे नहीं, और अपना ये जो बैंक इन आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी और वो कोड है, मेक श्योर दैट दैट इज फॉलोड प्रॉपरली जिसके लिए वो बनाया गया है। भाई जो बैंक लोन देके पैसा कमा रही है उसके पेट पे लात मत मारो, ओके। सॉरी मैं इस पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा बोल गया, बिकॉज दिस इज हर्टफुल टू सी कि कोई बैंक ग्रो कर रही है और आप पीछे से उसको। एनीवे, पीएसयूज ही मरने वाले हैं अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर में। गाइस आप लोग याद रखिए, द मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम पीएसयूज टू प्राइवेट बैंक्स फॉर कंज्यूमर्स एंड फॉर लोन सीकर्स अलाइक। आप एक दिन एक एक्सपेरिमेंट करो, गो टू एसबीआई बैंक, सिट फॉर 1 आवर, जो भी आपका काम हो एक्सपीरियंस करो, देन गो टू एच डी एफ सी बैंक, सिट फॉर 1 आवर, जो भी आपका काम हो एक्सपीरियंस करो। प्रो टिप, एसबीआई में जब जाएं तो 12:45 दोपहर में जाएं, और एच डी एफ सी में भी जब आप जाएं तो अगले दिन 12:45 दोपहर में जाएं। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाए।
नाउ द गवर्नमेंट हैज ड्रॉन, दिस इज डे 300 of 100, नाउ लेट्स शिफ्ट टू द गवर्नमेंट, दे हैव ड्रॉन अ फाइनल एक्शन प्लान एंड उसके स्केच में उन्होंने 5 मुख्य एरियाज को आइडेंटिफाई किया। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, किसान सम्मान निधि, फार्मर्स का रैली, प्राइम मिनिस्टर विल बी अटेंडिंग दैट। आज महाराष्ट्र से एक खबर आई है कि द शिंदे सेना इज अपेरेंटली, सूत्रों के हवाले से शिंदे सेना इज अपसेट विद द एनडीए। ऑब्वियसली भाई, शिंदे सेना 7 सीट्स जीत के आई है, उनको आपने पकड़ा दिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें वो खाली अनुलोम विलोम करेंगे और च्यवनप्राश खाएंगे, और ऐसे थोड़ी होता है, वो भी इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट में उनको कुछ दिया नहीं। अब ऑब्वियसली यार, महाराष्ट्र स्टेट इतना सारा आपको देता है टैक्सेस, आप महाराष्ट्र को ऐसे सीधा बाबा जी का टुल्लू दिखाओगे तो कैसे चलेगा? दिस इज नॉट डन, एब्सोल्युटली नॉट। आई डोंट डिसअग्री विद एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस इन महाराष्ट्र व्हेन दे से दैट सेंटर इज नॉट हेल्पिंग अस, बिकॉज इट इज अ फैक्ट, ऑन ग्राउंड रियलिटी हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको 19 मई को ही बोला था कि यूपी, महाराष्ट्र, वो 5 स्टेट्स याद है बताए थे मैंने आपको, स्विंग स्टेट, जिस 5 स्टेट्स में 250 सीटें हैं, और उन्होंने पूरा गेम कर डाला। सो द प्लान इज विकसित भारत 2047। आई सिंसियरली होप वी स्टे दैट मच टू सी कि क्या होता है विकसित। ये प्लान बड़े अच्छे बनते हैं ना, हम लोग, वी आर इंडियंस आर द बेस्ट प्लानर्स इन द वर्ल्ड एंड नॉट सो गुड एग्जीक्यूटर्स इन द वर्ल्ड। एग्जीक्यूट करने पे आएगा तो पता चले। 2047 में अभी बचे हुए हैं 23 साल, 23 साल बाद जो बचेगा जिंदा उससे पूछ लेना भारत विकसित हुआ कि नहीं। बट सपोर्टिंग द इनिशिएटिव, द फर्स्ट सपोर्ट इज फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। गवर्नमेंट के एक्शन प्लान में जो आज डे 3 पे बाहर आया है, रूरल जॉब्स पे उनका फोकस है, रूरल जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड्स पे फोकस है, बहुत अच्छी बात है। बट स्किल्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं, देर इज नो फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। आई थिंक चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी, फॉर अ पॉलिटिशियन टू से दिस, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द मैन्स दिमाग उसका सही जगह पे, और ये ओरिजिनल ग्रोथ वाला आदमी है चंद्रबाबू नायडू। व्हाट ही सेड इज, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कास्ट सेंसस इन द कंट्री, जिसपे बहुत बवाल चल रहा है, वी शुड हैव अ स्किल सेंसस इन द कंट्री, कि कौन सा बंदा यूथ में कितना स्किल्ड है, और जहां स्किल गैप है उसको इमिडिएटली फिल किया जा सकता है बाय गिविंग हिम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली फॉर द गवर्नमेंट, जिसके पास सारा डिजिटल डेटा उपलब्ध है, वी आर ऑल कनेक्टेड टू आधार, पैन, वट एवर इट इज। लेकिन अभी देखो इनके 5 पॉइंट देखो, सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फेयर इनफ, रूरल जॉब्स, सब जॉब्स 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 की बात करें, अरे यूथ अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वो अंडर स्किल्ड है, जॉब आपके पास 10 लाख वेकेंसीज पड़ी हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर है, लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कुछ महीने पहले, इलेक्शन के पहले, देर आर 10 लाख वेकेंसीज इन टोटल इन गवर्नमेंट पोस्टिंग्स। तो लैक ऑफ जॉब्स नहीं है, देर इज यूथ विच इज अनएम्प्लॉयड, देर आर जॉब्स विच आर नॉट गेटिंग फिल्ड, सो इट इज अ लैक ऑफ स्किल सेट माई फ्रेंड, इट्स अ लैक ऑफ स्किल सेट, वो मैच करना है आपने। फाइनलाइजेशन ऑफ हाइड्रो पावर पॉलिसी, मनोहर लाल खट्टर ने पावर मिनिस्ट्री संभाल ली है, एंड वो फटाफट फटाफट पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी उसको बढ़ाने की, ये उनका प्राथमिकता में सरकार के पहले 100 डेज में है, बिकॉज इंडिया का पावर कंजम्पशन 2020 के बाद 3 गुना बढ़ा है, 3 टाइम्स आर पावर कंजम्पशन हैज गॉन अप 3 टाइम्स पोस्ट कोविड, बिकॉज ऑफ वट एवर डिवाइसेज एंड जो भी हम लोग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोलो या जो, ये सब उससे कनेक्टेड है। एंड एक लास्ट पॉइंट है जो एकदम कोने में छुपा के लिखा है, 2 लास्ट पॉइंट, मेजर्स फॉर स्टार्टअप्स एंड डिजिटल प्राइवेसी, कि डिजिटल प्राइवेसी होनी चाहिए स्टार्टअप्स के लिए, हमको बहुत कुछ करना है भैया स्टार्टअप्स के लिए ना। आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करके हो गया, स्टार्टअप अपना काम खुद ही करेंगे। मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था ना, बजाज फाइनेंस ही है जो एमएसएमई को लोन्स देता है। सो आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट कैन गो अबव एंड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट टू हेल्प द स्टार्टअप्स। मुझे लगता है द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, एंड आई थिंक दिस वॉज, ये मैं नहीं बोल, दिस वॉज कोटेड बाय सम अमेरिकन पॉलिटिशियन समवेयर इन द लेट 90s, एंड इट वॉज अगेन रिकोटेड बाय आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 2014 इन हिज फर्स्ट स्पीच, वन ऑफ द फर्स्ट रैलीज आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। He actually said that
दैट द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. आई थिंक इट्स हाई टाइम द एनडीए गवर्नमेंट 3.0 टेल्स अस दैट या दे डोंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस. दे कैन जस्ट मेक श्योर दैट द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ प्रॉपर मैनर एंड मेक श्योर दैट देर इज कंटिन्यूटी एट द सेंटर एट द स्टेट्स. एक लास्ट पॉइंट बोल के मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा, आज थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे. जहां तक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स की बात है, हमने कल डिस्कस किया था, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बियॉन्ड अ पॉइंट सेक्टर स्पेसिफिक रहने में सेंस है. मेरा लास्ट पॉइंट ये था, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस कंट्री नीड्स डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सारे पॉलिसीज अगर सेंटर में बनेंगे तो आपके स्टेट्स में अंदर 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 बहुत पंगा होने वाला है, बिकॉज देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विच आर ओनली एग्जिस्टिंग एट द स्टेट लेवल एंड उसका सोल्यूशन होगा एट द लोकल पंचायत या लोकल कॉरपोरेटर लेवल, म्युनिसिपैलिटी लेवल. लुक एट मुंबई फॉर एग्जाम्पल, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, हाइएस्ट जीएसटी देता है पूरे देश को महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ऑब्वियसली मुंबई. हमारे रोड्स देखो, हमारा ड्रेनेज देखो, ये म्युनिसिपैलिटी के लेवल का काम है. बीएमसी जो रिचेस्ट बॉडी है, प्रॉबेबली सेकेंड लार्जेस्ट रिचेस्ट बॉडी इन एशिया, आई थिंक द बजट, बीएमसी का बजट 40 to 50 thousand crore है. इतनी बड़ी बॉडी है, उसका इलेक्शन नहीं हुआ है. लास्ट टाइम बीएमसी हैड एन इलेक्शन वाज फ़रवरी 2017, इट वाज ड्यू इन फ़रवरी 2022, यानी अभी 2.5 years होने को आ गए, दे हैव नॉट कंडक्टेड एन इलेक्शन. ये मुद्दा ऊपर कब उठेगा, इसको नीचे ही सॉल्व करना है भाई साहब. अगर मुंबई में सड़क खराब है तो वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती. इट हैज टू बी सॉल्व दिस वे, डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे काफी सारे केसेस में हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है, व्हाई डू यू थिंक चंडीगढ़ इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी. कभी चंडीगढ़ अगर आप नहीं जाना हुआ है तो एक बार जरूर जाइए. और मैं तो सारे मुंबई वासी हूँ, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, बट आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट, आई लव माई सिटी, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल मुंबईकर्स, बिकॉज पीपल इन दिल्ली माइट हैव बीन टू चंडीगढ़, ऑल टीयर वन सिटी पीपल, जस्ट गो टू दैट सिटी, गो टू चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, उस साइड में घूमिए, एक बार गुड़गांव देख के आइए, आपको पता चलेगा मैं क्या बोलूँ. यू विल सी कि डीएलएफ ने मतलब रेत के ढेर में पूरा गुड़गांव शहर बना दिया. आई एम नॉट सेइंग कि वैसा करो या कॉपी पेस्ट करो, आई एम सेइंग चंडीगढ़ की बात करते हैं, बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, इट इज अ प्लान्ड सिटी, सो इट बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. वो पंजाब स्टेट का कैपिटल है, हरियाणा का कैपिटल है, और एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो उसके पास आप सोचो हर रिसोर्स फटाफट पहुंच जाता है. चंडीगढ़ छोटी सिटी है, इतनी मुंबई जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन भाई उसने भी एक्सपांड किया है. दे हैव मोहाली, दे हैव जीरकपुर, एंड दे हैव द ट्राई सिटी. तो चंडीगढ़, जीरकपुर, मोहाली को आप कभी जाके रह के देखो, यू विल अंडरस्टैंड, आपके मन में आएगा यार ये बेटर है, लेकिन आपका मुंबई का ईगो जो है ना, वो आपको मानने नहीं देगा कि ये बेटर है. अगर मैं ब्लंटली बोलूँ तो नो मुंबई कर विल अग्री दैट यार ये बेटर सिटी. वो बोलेगा हाँ, 15 दिन मुंबई के बाहर जाओ, कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये लग, नहीं यार मुंबई मेरी जान है, मुंबई जैसा तो कुछ नहीं. आई अग्री दैट इज बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स एंड एवरीथिंग, बट समवेयर डीप डाउन जब आप चंडीगढ़ छोड़ रहे होगे, आपको एक बार जरूर वो ख्याल आएगा, बट यू विल इग्नोर दैट थॉट. इग्नोर मतलब हम लोग ऐसे करेंगे, नहीं, कहाँ हमारा मुंबई और कहाँ ये सब छोटे शहर, चंडीगढ़, सूरत, टू एन एक्सटेंट अहमदाबाद, इंदौर, और ऐसे बहुत, करनाल देख लीजिए एक बार. मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल है, बट अगर सब में मुझे दो सिटीज पिक करने हैं तो आई विल पिक सूरत एंड चंडीगढ़. ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ, सुपर चीप लिविंग, अबंडेंट रिसोर्सेज, वेरी गुड रोड्स, यू कैन, यू एक्चुअली फील लाइक ड्राइविंग ओवर देयर. तो ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ गाइज, बिकॉज अल्टीमेटली द कंपनीज आर शिफ्टिंग इन स्मॉलर सिटीज. इट्स अ लॉस टू महाराष्ट्र, और वो हमको एज अ पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, हमसे नहीं देखा जाता है. कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, ब्लैक रॉक. ब्लैक रॉक इज अ कंपनी विच रन्स अराउंड $11 trillion ऑफ फंड्स. ओके, ब्लैक रॉक मतलब जितनी बड़ी यूएस इकोनॉमी है ना, उसका 40% बड़ी, 40% ऑफ द यूएस इज ब्लैक रॉक. जस्ट इमेजिन वो कितना यूएस के अफेयर्स में मेडल करते होंगे. ब्लैक रॉक और फॉर्च्यून 500 में से 250 कंपनीज के ऑफिस कहाँ है, गुड़गांव में.
मुंबई में ब्लैक रॉक का ऑफिस ही नहीं, आई सॉ देयर ऑफिस इन गुड़गांव एंड इट इज ब्यूटिफुल एंड आई वॉज ब्लोन अवे, यू नो, कि ऐसे डेवलपमेंट हो सकता है। हमारे यहाँ के जो बिल्डर्स हैं, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय, हीरा नंदानी, ये सब अपना अपना टावर बांधने में लगे हुए। नो बडी हैज द विजन टू बिल्ड अ सिटी। हाँ, नवी मुंबई इज ऑसम, आई कैन स्टिल टेल एनी बडी विजिटिंग मुंबई, नवी मुंबई इज अमेजिंग, वेरी वेल प्लान्ड, बट वहां पे भी वो, हाँ चलो रोड्स बेटर है, सब कुछ बेटर, नवी मुंबई को आप पकड़ के चल सकते हो, एक मॉडल सिटी है, आई थिंक इट्स मच बेटर देन बॉम्बे, इट्स क्लोजर टू मुंबई एंड इट इज बीन डेवलप्ड तो एज अ सिटी इन महाराष्ट्र, आई थिंक आई एम प्राउड कि पनवेल है, न्यू बॉम्बे है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है। एनीवे मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, Day 4 पे चर्चा करेंगे, कल चाय पे चर्चा तो बड़े लोग करते हैं, हम लोग तो नॉर्मल पानी पी के ही चर्चा करेंगे, है ना। आई विल सी यू टुमारो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सी यू टुमारो।